अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरला शारी और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कपास के हवाले से, क्योंकि गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और अब कपास की जो बिजाई का अमल है वो शुरू होने वाला है। और सबसे अहम चीज़ इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको आज हम एड्रेस करेंगे। एक तो बुनियादी तौर पर सीड के हवाले से कि काश्तकार का हमेशा से गिला रहा है कि हमें जी अच्छा सीड नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो हमारी नहीं हो सकती। उसके बाद जो पेस्ट है, जो सेक्ट है, उसके हवाले से जो है वो भी हम ज़रा बात करेंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर कितने टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रही है, सीड डिवेलपमेंट का क्या काम हो रहा है, सीड की जो उसकी बढ़ोतरी है और उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है उसके ऊपर कितना काम हो रहा है, इस दफ़ा काश्तकार इसकी टेक्नोलॉजी कैसे अख्तियार करें, काश्त की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बात करेंगे। सरकारी इदारे ख़ास तौर पर कॉटन के जो रिसर्च इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं और इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कितना काम हो रहा है, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने एक नई चीज़ भी इस दफ़ा मुतारफ़ कराई है कि वो पूरे डिवीज़न के मुख्तलिफ काश्तकारों को डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट जो है, नुमाइशी प्लाट, वो भी लगा कर देंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में उनके जो सीड की जो रिज़ल्ट है वो किस तरह आता है। प्रोग्राम के सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बंदेशा साहब, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, कपास का सीज़न शुरू होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है उसकी बिजाई, क्या आपकी तैयारी है और इस दफ़ा बीज इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर जो है वो किस तरह का मुतारफ़ करवा रही है? जहाँ तक आपने दो चीज़ों की बात की है कि एक वैरायटी डेवलपमेंट की है और एक सीड प्रोडक्शन की बात की है, तो सीड प्रोडक्शन के रेफरेंस से मैं ये आपको जो है ना शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो वैरायटीज़ हैं वो आप सबको पता है कि ये भावलपुर डिवीज़न में सबसे मेन शेयर हमारी वैरायटी है, तो इसके सीड प्रोडक्शन के सिस्टम को ही बेहतर करने के लिए हमने इसके सोल मार्केटिंग राइट्स जो हैं वो दिए हैं सन क्रॉप जो ग्रुप है ये मुल्तान से। तो अब ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी इसमें जो भी बैग के अंदर मतलब जो है वो डाले और आपको दे सके, अब इसकी ट्रेसेबिलिटी हो सकेगी और ये वो कंपनी इसकी ज़िम्मेदार भी है, कस्टोडियन भी है और हम उसको चेक भी करेंगे कि कोई ऐसी कहीं भी गड़बड़ या मतलब नहीं होनी चाहिए कि कोई और जो है इस वैरायटी की मार्केटिंग करे, और एटलीस्ट कोई बैग जो है विदाउट ट्रेसेबिलिटी मार्केट में नहीं आएगा। तो दूसरी जो वैरायटी डेवलपमेंट की बात है वो ऐसे है कि आपको सबको पता है कि हमारी कॉटन क्रॉप जो है वो फ्रॉम दी लास्ट फ्यू ईयर जो है ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो इसमें हमारे दो फैक्टर्स हैं, एक है R&D और एक है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो मैं जहाँ तक ये मेरा अपनी ओपिनियन है कि हमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो तो सपोर्टिव मतलब जितनी फार्मर्स के साथ बाकी ग्रोअर्स के साथ है, जो कि कॉर्न ग्रोअर है या शुगर केन ग्रोअर है या वेजिटेबल ग्रोअर है, उतनी की सपोर्टिव जो है वो काटन के लिए है, तो क्योंकि ना DAP का रेट मतलब कोई वेजिटेबल वाले को कम मिलता है, ना ही वीट वाले को मिलता है, ना ही मतलब जो है कि शुगर केन वाले को, तो वो तो फैक्टर ऐसे हैं कि जिस जो कॉन्स्टेंट है सब के लिए। जो कॉन्स्टेंट नहीं है वो है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का जहाँ तक काम है मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना होता है। ये पॉलिसी हमारी कोई सस्टेनेबल नहीं रही कि हमारी कॉटन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती रही, और इस साल में आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी वर्स्ट तरीन मतलब जो है जो 1985 के बाद शायद ये हमारी सबसे कम प्रोडक्शन आई है। तो अगर ये एनवायरनमेंट के हम मतलब बात करते हैं तो जाहिर है कि एनवायरनमेंट तो चेंज मतलब हर क्रॉप के लिए है, नॉट ओनली फॉर कॉटन, मतलब शुगर केन के लिए, मेज के लिए भी है, राइस के लिए भी है, वेजिटेबल हर के लिए है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हर के लिए है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात की कि पिछले 8-10 सालों से ही बात चल रही थी कि जिस तरफ आप जा रहे हैं तो इश्यूज होंगे, तो आपने ये भी कहा कि हम इन मसाइल को एड्रेस नहीं कर सके, आपको लगता है कि जो एड्रेसल ना होना है उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, खास तौर पर जब हम रिसर्च इदारों की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो फोकस्ड नहीं रहा कॉटन या रिसर्च के ऊपर जितनी टेक्नोलॉजीज दरकार थी, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो BulGuard 3-4 पे चले गए और हम अभी बहुत पीछे खड़े हैं, तो आपको लगता है कि रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके बायस हम फोकस ही नहीं कर सके कॉटन को? मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि ये गवर्नमेंट हमारी जो थी
जो भी इसकी जिसके पास भी इसकी लीडरशिप थी, मतलब पर्टिकुलरली R&D ऑफ कॉटन, उनकी मतलब जो है फोकस्ड मतलब जो है ना एक्टिविटीज़ नहीं रही, जो उनके फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, या उन्होंने वक्त के साथ अपने ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं किए। मतलब जो हमें फोर्सी करके ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने चाहिए थे वो ऑब्जेक्टिव हमने चेंज नहीं किए, अपने ऑब्जेक्टिव वही रखे जो 15-20 साल वाले पहले थे। तो ड्यू टू दैट रीज़न हम उस सिनेरियो को जो अब क्रिएट हुआ है, वह कंडीशंस हुई हैं, उसको वो ऑब्जेक्टिव्स जो ना एड्रेस नहीं कर रहे। तो मैं जैसे अभी आपने एक बात मतलब हमारे पहले इंट्रोडक्शन में भी की कि भाई कॉटन, हाँ पहले आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि सर हमारे पास टेक्नोलॉजी बोलगार्ड 1 वाली है, वो हम यूज कर रहे हैं उसका, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो दी बेस्ट टेक्नोलॉजी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। कोई भी आज भी एक्सटेंशन या हमारी पेस्ट वार्निंग, उन्होंने स्पॉटेड एंड हेलियोथस को कभी भी प्रॉब्लम डिक्लेयर नहीं किया। आपने भी सुना इतने प्रोग्राम किए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि इस दो कीड़ों के की वजह से क्रॉप फेल हुई है। तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं, मतलब जो बार फील्ड से आपको फीडबैक आई होगी, वो वाइट फ्लाई होगी और पिंक बॉलवर्म होगा। तो ज़ाहिर है कि सारे पिंक बॉलवर्म की टेक्नोलॉजी इज़ द समवट डिफरेंट, वो हमने बाकायदा अभी तक जो है उसकी क्या कहते हैं उनसे परचेज नहीं की, हायर नहीं की, कोई उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया। तो जहाँ तक इस पिंक का प्रॉब्लम भी है, वो पिंक को ज़ाहिर है कि वो प्रोटेक्शन देती है, पिंक का प्रॉब्लम आपके पास इसका सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फेरोमोन ट्रैप एंड PB रोप्स मौजूद है। लेकिन अगर नहीं है तो वो आपके पास वाइट फ्लाई और वायरस का नहीं है। तो इस दो चीज़ों के सोल्यूशन जो है ये किसी टेक्नोलॉजी से नहीं आना सर, ये आपकी ब्रीडिंग एफर्ट से आना है। यू हैव टू डिवेलप ए वराइटी दैट गिव यू द टॉलरेंस अगेंस्ट द वायरस एंड वाइट फ्लाई, और आपको ऐसी वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी जो लास्ट वीक ऑफ मई एंड फर्स्ट 2 वीक ऑफ जून में काश्त हो सके, और काश्त होने के बाद वो सरवाइव करे और फार्मर को एट लीस्ट 20 से 25 मान उसकी पैदावार पोटेंशियल होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी आपकी। ऐसे मतलब मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है ना 220 दिन की फसल जो है काश्त करें और वो वायबल हो सके, वायबल हो सके। इसी के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पर देखते हैं छोटा सा ब्रेक। जैसे डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब ने कहा कि ऐसी वैरायटी देनी पड़ेगी, डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब का नाम जो है वो पाकिस्तान में कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से बड़ा मोतबर हवाला है, तो कौन देगा ऐसी वैरायटी, इसी के ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ और ट्रायल्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पर भी चलकर आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब बात कर रहे थे कि हमें ऐसी वैरायटी देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपका नाम कॉटन ब्रीडिंग में एक बड़ा मोतबर हवाला है पाकिस्तान में, तो अगर आप ये समझते हैं कि देनी पड़ेगी तो कौन ये काम करेगा? निशारी साहब, ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मेन जो कॉटन के कस्टोडियन हैं वो है फेडरल गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट। सेकेंडली है हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो तो हमारे ये वाइस चांसलर साहब जो अतर महबूब साहब हैं, उनकी विजन है कि वो इस तरह की रिसर्च पे हमें जो है वो क्या कहते हैं हमने फोकस किया हुआ है कि हमने स्टेक होल्डर जो हमारे हैं उनको भी साथ लेना और इस कम्युनिटी को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे उनके एक विजन है उस पर काम करा रहे हैं। तो जहाँ तक काम करने का तल्लक है सर, वो तो मैं समझता हूँ कि उन्हें हमारे जो कस्टोडियन अदारे हैं उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी का तल्लक है तो हम सर कर रहे हैं काम, और हमने पिछले साल आपको भी वहाँ पे ट्रायल विजिट कराए, और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी विजिट किया, कॉटन कमिश्नर ने किया, देन हमारे सेक्रेटरी जो साउथ पंजाब हैं उन्होंने भी विजिट किया। तो सब लोगों ने इसको ट्रायल को विजिट किया गया, जिस पे हमने जो पिंक बॉलवर्म था वो इस फेरोमोन ट्रैप से जो मैनेज किया, और 100% हमने उस पे जो वाइट फ्लाई मैनेज की विदाउट एनी स्प्रे। तो वो दैट वाज द एन वैरायटी कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखना चाहते थे कि भाई ये
इसमें है ये वाइट फ्लाई के अगेंस्ट टॉलरेंट है या नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने भी देखा, सब ने देखा, वी आर द सक्सेसफुल। ये उसी के आगे कंटिन्यूटी है कि हमने इस दफ़ा उसको 50 फार्मर्स को इस डिवीजन में लोगों को फार्मर फील्ड पे जो है ना वो टेस्ट करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम अब सिर्फ सादा सादा काश्तकार अब काश्त करने जा रहे हैं कॉटन, हाँ जी, क्या करे अच्छी पैदावार के लिए और कौन सा बीज इस्तेमाल करे, प्रोडक्शन जो काश्त की टेक्नोलॉजी है उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है लाचारी साहब वो ये है कि फार्मर को स्वाए अप्रूव्ड वैरायटी के जो कमर्शियल या उनकी क्रॉप प्रोडक्शन ब्लॉक हैं वो और किसी पे नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ अब भी कि ये जो हमारी वैरायटी IUB 13 है इट्स दी परफॉर्मिंग बेस्ट, और पर्टिकुलरली ये बहावलपुर डिवीजन के फार्मर्स जो है ना उनके लिए इट्स दी बेस्ट वन। और इस की काश्त के मतलब कोई ऐसा मसला फीसा गौस नहीं है, जैसे आप गंदम काश्त की है गंदम के बाद आप मतलब आपकी ज़मीन खाली होती है उसको पानी दे के हल चलाएं या उसको खुश्क आप जो है वो डिस्क वगैरह से चलाएं और रूटावेटर के बाद ज़मीन तैयार करें और खेलियां निकालें, अगर आपने खेलियों पे काश्त करनी है तो करें। प्री एमरजेंस जो है अच्छी वीडिसाइड का स्प्रे कर लें और उसके बाद कोशिश ये करनी है कि आपने एक तो हाइट इसकी मैनेज करनी है, हर सूरत करनी है पिक्स के साथ, हाइट आपकी 4 फुट से ऊपर पौधा नहीं लेके जाना चाहिए हमें। तो सेकंड ये है कि पहले स्प्रे आप ना करें, कोशिश करें अगर जेसिड की पॉपुलेशन बढ़े तो एक अच्छा स्प्रे जेसिड का करें और उसके बाद इन कती तौर पे वाइट फ्लाई के अगेंस्ट पहले हमें केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। जुलाई का महीना पूरा 100% नहीं करना चाहिए, बहुत है तो पानी का स्प्रे करते रहें और ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक का स्प्रे करते रहें। ऑर्गेनिक का मतलब है कि कोई आप मतलब ये नीम शीम या कौड़तमा उर्लम उर्लम कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं तो केले पानी का स्प्रे आप करते रहें, और आप अपना बकायदा वाइट फ्लाई के अगेंस्ट जो केमिकल का स्प्रे है वो किसी सूरत अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ आप कह रहे हैं कि 4 फीट से ज़्यादा पौधे का कद नहीं जाना चाहिए, किस तरह मैनेज करें अगर जाता है तो? ये हम शुरू से ही मैं अपने सब किसान भाइयों को समझता हूँ कि इनके एरिया में काटन की हाइट ज़्यादा होती है, बहावलपुर डिवीजन में ज़्यादा होती है, चाहे वो फोटाबास है चाहे वो मरोड है लियाकतपुर है या रहीम यार खां है, ये सारे एरिए में। तो इसके लिए एक ही हमें जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं हो सका, मैं कंपनी अपने जो प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैपीक्वाटक्लोराइड जो है इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करें, और ये इस्तेमाल सर बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ 2 बड़े डिसएडवांटेज हैं कि जब मूनसून का सीज़न आएगा काटन हाइट होगी, बॉल लगे होंगे, इसकी लॉजिंग होगी, ये गिरेगी और सारे के सारे आपके बॉल्स की रॉटनिंग हो जाएगी, कोई चीज़ नहीं बचेगी। और ये दूसरे नंबर पे इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि गैर ज़रूरी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको ये रोकता है। तीसरी बात यह है कि जैसे हम अपनी वैरायटीज़ की जा रहे हैं, जो नई वैरायटीज़ अभी हमने आपके पास जिक्र किया है जिसका कि वो वाइट फ्लाई हाईली टॉलरेंट है, तो वो हम उसमें एक और ब्रेक थ्रू भी है कि उसकी क्रिटिकल विंडो सर सिर्फ 40 से 50 दिन की है, और आप उस 40-50 दिन के ही उसकी प्रोडक्शन करेंगे। दूसरे नंबर पे जो उसकी और अहम चीज़ है वो ये है कि जनरली आप 17,000 पौधा मतलब रिकमेंड करते हैं 17 से 18, हम उसका कहते हैं 30 से 35,000। तो उस 30 से 35,000 प्लांट जब आप फील्ड में लगाना है तो तब आपको ये ग्रोथ रेगुलेटर भी यूज़ करना है, और ये उसमें वहाँ तो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हम नॉर्मल कॉटन भी एक फिट पे लगाने वाली जिसमें है प्लांट टू प्लांट वहाँ पे भी करना है, क्योंकि आप मौसमी तब्दीली यही है कि बारिश अनइवन आती है और उसके साथ जो है विंड जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो आपकी कॉटन पे लगा हुआ बोर लोड के साथ उसकी लॉजिंग हो जाती है, लॉजिंग होती है तो उसमें बहुत यील्ड एकदम से रिड्यूस हो जाती है। तो इसका एक ही हल है कि आप अपने पानी ना दे के प्लांट की हाइट कम नहीं करनी, ये सर मैं फार्मर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लांट की हाइट को
कती भी पानी ना दे के नहीं रोकना, उसको ग्रोथ रेगुलेटर से आपने रोकना है। पानी कती तौर पे उसको ये नहीं करना कि उसको आप पानी कम दें, सोखा दें और उसकी हाइट को रिड्यूस करें, ये नहीं तरीका का ग्रोथ रेगुलेटर का तरीका कार है। ग्रोथ रेगुलेटर का जो है वो तरीका कार है। डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, जैसे कह रहे हैं कि ये बहुत अहम चीज़ें हैं खास तौर पर जो करने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त कॉटन का सीज़न शुरू हो चुका है, कॉटन की बिजाई हो रही है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ के हवाले से डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब ने बात की है और ख़ास तौर पे जो नई वैराइटीज़ हैं उनका रिज़ल्ट फील्ड के अंदर और उसको किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, देखना है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रा हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो डेमोंस्ट्रेशन इस दफ़ा कराई जा रही है मुख्तलिफ काश्तकारों के पास, वो क्या है और जो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए जो वैराइटीज़ हैं उनका मैकेनिज़म क्या है, उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे हैं डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, जिनका कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। अच्छा सर, दो चीज़ें इस वक्त हम पूछेंगे। एक तो जो आप सबसे पहले तो जो डेमोंस्ट्रेशन प्लाट्स की हम बात कर रहे हैं, आपने उसको एडवर्टाइज़ भी शायद किया है, कोई मैसेज भी किया है आपका, वो सर क्या है? जो आपने पिछले साल हमारी वराइटीज़ देखी वो हमने NCVT में भी टेस्टिंग के लिए दी हुई हैं और वो हमारा उस पर जो है वो टेस्टिंग थी अगेंस्ट दी वाइट फ्लाई टॉरेंस कि ये हम जीरो स्प्रे पे क्या क्या परफॉर्म करती हैं। लेकिन हमने पिंक बोलवर्म के लिए वहाँ पे, क्योंकि छोटे स्केल पे लगी हुई थी, तो हमने फेरामोन ट्रैप यूज़ की उसके लिए। तो वो बोलगार्ड वन वाला जीन उसमें है, क्राइवान एसी। तो दूसरे नंबर पर जो वाइट फ्लाई हमने जो फील्ड में आप उसकी की है, वो ये है कि हमने देखा कि ये सिर्फ एक छोटे से स्केल पे एक ही इकोलॉजी जोन में किसी चीज़ को टेस्ट करना कोई इतनी अच्छी उसका मैसेज नहीं दिया जा सकता। तो जब ये सीइंग इज बिलीविंग का जो फार्मूला है उसी पे हमने करते हुए हमने यहाँ के 50 जो ग्रोअर्स हैं उनके पास जो है हम एक एकड़ का जो है ना वो ट्रायल लगाएंगे, एक एक वैरायटी 4-4 कनाल पे लगाएंगे। तो वो उसमें हम उनको अपनी जो इसकी एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस हैं वो भी साथ जो है ना वो इन रिटर्न फॉर्म में देंगे और हम इसको जब ये फाइनल हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वो तमाम ग्रोवर्स को यहाँ पे एक दिन बुला के उनकी जो है को 10-15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन दें उनको कि आपने कैसे कैसे इसको मैनेज करना है, ये प्लांट कैसा है, इसमें वाइट फ्लाई क्यों नहीं डेवलप होगी वो हम उनको बताएंगे। और ये जो उनकी अपनी जो उनके एंड पे प्रैक्टिसेस हैं वो उनसे उनको बताएंगे। और नंबर 3 होगा कि हम अपना एक लाइन नंबर भी और मोबाइल नंबर भी हम शेयर करेंगे कि आपको थ्रू आउट द सीज़न किसी भी वक्त कोई भी इस डेमोंस्ट्रेशन ट्रायल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। और देन अगर हमें वो विज़िट का जो मौके पे विज़िट करना पड़ता है तो वो भी करेंगे, अदरवाइज़ हम रूटीन में उसको विद 4 वीक्स हम एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि हम मतलब 4 वीक्स के अंदर अंदर हर मतलब यानी महीने में एक दफ़ा हम अपने ट्रायल पे पहुँचें और उसको देखें। अच्छा सर, एक चीज़ ये है, ये जी अभी एक पौधा जो है वो आया है, ये जो नई वैरायटी है सर, इसके हवाले से बताइएगा कि ये वाइट फ्लाई को कैसे रिस्पॉन्स कर रही होगी? वाइट फ्लाई की डेवलपमेंट के लिए एक तो ये है कि उसके ऊपर हेयर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा। या दूसरा है कि आप उसका पत्ता ऐसा डेवलप करें कि जिसके ऊपर वाइट फ्लाई की ब्रीडिंग जो है कम से कम हो। और वो ब्रीडिंग आप कैसे कम कर सकते हैं कि लाइट एंड एरेशन वो नहीं, वो प्रॉपर मतलब जो ना होनी चाहिए, पत्ते का साइज जितना कम होगा और एरेशन होगी और लाइट हर पत्ते पे जाती रहेगी तो ये इसकी पीछे पॉपुलेशन जो है नहीं बनेगी। अगर आप इसको ज़रा पीछे से देखें इसके ऊपर लीफ नहीं है, हेयर्स नहीं है, इट्स ए हेयरी लेस वैरायटी है। और ये देखें, और इसके ऊपर जगह बहुत कम है जहाँ पे इसके निम्फ डिवेलप हो सकेंगे। जब ये एक्सपोज होगा लाइट में तो इसकी उतनी ही मॉर्टेलिटी जो है ना इसके निम्फ की रहेगी। और ये क्योंकि पत्ते जो है ना निम्फ नीचे होते हैं, नए पत्ते इसके डेवलप होते हैं और वो उसकी ब्लैकनिंग की वजह बनते हैं, तो इसमें स्पेस उनके लिए कम हम
मतलब जो है ना कहते हैं कि स्पेस कम हो जाएगा और लाइट की वजह से इनकी मोर्टिलिटी, इनकी एग मोर्टिलिटी होगी। और ये जो नीचे वाले पत्ते हैं सर, ये भी पैरासाइट नहीं होंगे इस पे, ये दैट विल आल्सो फीड टू द प्लांट। बजाय इसके कि ये इतना पत्ता होगा, नीचे वाले सारे पत्ते जो हैं शेड की वजह से फूड सेंसेस नहीं होती, बल्कि वो पैरासाइट हो जाते हैं पत्ते। लेकिन उन पत्तों पर क्या होता है कि आपके कीड़े जो है ना कलोनी बनाते हैं, उनके लिए वो शेल्टर होती है और पत्ते के लिए पौधे को वो खुराक नहीं दे रहा होता। यहाँ पे आपका हर पत्ता जो है वो पौधे को खुराक देगा और किसी कीड़े को शेल्टर की जगह नहीं मिलेगी। ये देख लें, सबसे बड़ा पत्ता जो है वो मच्योर हो सका, ये देखें अब ये पत्ता पूरा मच्योर हो गया, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। आपको ये देखें, यहाँ तक लाइट जो है इसको पेनिट्रेट कर रही है और ये स्पेस उस कीड़े के लिए, शेल्टर के लिए नहीं दे रहा। तो यही हमारी इस पर फिलॉसफी है और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सर आपको फील्ड में भी इसी से हम अगेन पिक करेंगे, लगाएंगे और वक्त आया तो इंशाल्लाह दोबारा आपको सर इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे फील्ड में भी। फील्ड में भी परफॉर्मेंस देखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल बंदेशे साहब, जैसे कह रहे हैं, और बहुत जल्द हम बंदेशे साहब के साथ फील्ड के अंदर जो डेमोंस्ट्रेशन प्लाट्स लगाए जाएंगे उसके ऊपर भी हम आपको ले चलेंगे और काश्त की टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे। और अभी चलते हैं कुछ और लोगों से इस हवाले से बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रही है और जो सरकारी इदारे हैं ख़ासतौर पर जो रिसर्च के इदारे हैं वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो बिल्कुल, अभी हम जो बात कर रहे थे कॉटन की, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर जो वैरायटी डेवलपमेंट हो रही है और जो सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, डॉक्टर इकबाल बंदेशे साहब उसके हवाले से बात कर रहे थे। तो ओवरऑल इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो फोकस किया गया है कॉटन को, उसी के ऊपर बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। सर फरमाइएगा, अभी हमने फील्ड भी देखा, वहाँ पर जो वैराइटीज़ हो रही हैं, और एक चीज़ सबसे अच्छी जो इस दफ़ा हमें पहली दफ़ा देखने को मिली वो ये कि यूनिवर्सिटी इस दफ़ा पूरे डिवीजन के अंदर जा रही है डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट्स लगाने के लिए, कि वो काश्तकारों को भी साथ एंगेज कर रही है कि हम अपना बीज फ्रीली आपको दे रहे होंगे और आप वहां पर लगाएं और हम आपको सुपरवाइज भी कर रहे होंगे और आपको साथ साथ गाइड भी कर रहे होंगे। तो कितना फोकस कर रहे हैं खासतौर पर आप, क्योंकि पाकिस्तान की मेजर क्रॉप है कॉटन, तो कॉटन को किस तरह देख रही है इस्लामिक यूनिवर्सिटी? जी अथर, जैसा कि आपके इल्म है कि हमारे जो साइंसदान हैं स्पेशली डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, इनकी पिछले 10 साल की काविशों से नई ये वैराइटीज़ मैच्योर हुई हैं और पाकिस्तान की बैकबोन के लिए जो कॉटन है, वाइट गोल्ड है, इसके साथ पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी वाबस्ता है। तो इसको देखते हुए इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने न सिर्फ ये कॉटन वैराइटीज़ के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है, इनको ऑक्शन किया है, एक नेटवर्क जो है सर्विस प्रोवाइडर्स का अपने साथ इंगेज किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर इंश्योर करने के लिए इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर अपने तौर पे एफर्ट्स कर रही है कि जो साइंसदान हैं, कुछ आपको पता है कि तकाजे होते हैं वक्त के साथ साथ वो रिटायर भी होते हैं, लेकिन इन वैराइटीज़ को सपोर्ट चाहिए होती है 5 और 10 साल के लिए। फील्ड ट्रायल्स के बाद भी अक्सर कोई डिफेक्ट्स या कोई नए चैलेंजेस आते हैं, तो सीड में मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी होती है। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर इस वक्त स्टेप्स ले रही है कि अपने जो साइंटिस्ट हैं इनको लॉन्ग टर्म पे इंगेज किया जाए और कॉटन रिसर्च के हवाले से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें साइंसदान यहाँ पे अपनी एकेडमिक इंगेजमेंट के बगैर भी यहाँ पर काम कर सकेंगे। तो इससे जो है वो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, फ्यूचर इंश्योर हो जाएगा, और ये रिस्क जो है कि अगर कोई साइंसदान हमारे पास से चला जाएगा तो ये वैराइटीज़ एक तरह से यतीम हो जाएंगी, इस रिस्क को हम मिटिगेट कर देंगे ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और रिवाइवल है उसको इंश्योर किया जाए। अच्छा सर, एक चीज़ अगर हम ऑरेक के हवाले से बात करते हैं, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जहरी बात है कि जो पिछला कोई 50-60 साल का सफ़र है इस जामिया का और मौजूदा जो हम 2 साल देखते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि फोकस्ड है एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर हैं उनकी रिसर्च के हवाले से। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर की बात करें तो रिसर्च का जो एरिया है, जो इसका कंपोनेंट है, उसके ट्रायल्स के लिए जो ज़मीन दरकार है उसमें भी कोई इजाफा और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ वसाइल में भी इजाफा कर रहे हैं? ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। एक तो ये है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लैंड है उसमें हम एलोकेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, लेकिन आपके इल्म में होगा कि अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत तेज़ी से बड़ी हो चुकी है, फैल चुकी है, एकेडमिक बिल्डिंग्स और दूसरे पर्पजेज़ के लिए सारी लैंड हमारी यूटिलाइज हो चुकी है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि एक ज़माने में इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 5,000 एकड़ चोलिस्तान में लैंड दी गई थी, तो
तो हम हुकूमत से अपील करेंगे, हुकूमत पंजाब से, कि दोबारा से वो लैंड जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी को दी जाए, ताकि हम अपने जो फ्यूचर एक्सपेंशन और एक्सटेंशन है उनके लिए उस लैंड को इस्तेमाल कर सकें। तो आपको लगता है कि उसके आने से चीज़ें जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी रिसर्च के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तेज़ी से हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज़, जैसे इंटरक्रॉपिंग है, जैसे फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स हैं, एग्जॉटिक फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और ये जैसे कॉटन है, इसके लिए हमें अब काफ़ी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है, और ये लैंड नागुज़ीर है। अगर ये लैंड दी जाएगी तो हम समझते हैं कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और इकॉनमी के रिवाइवल के लिए अपना रोल प्ले कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। अभी हमने टोटल जो एग्रीकल्चर खासतौर पर कॉटन के हवाले से बात की, उसी की आगे जो है वो कैसे रिवाइवल होगा और इसको मज़ीद कैसे तरक्की जाएगी उसके ऊपर बात कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, समर साथ रहिए। वेलकम बैक जी, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर इकबाल बंदेशा से, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर जो वैराइटीज़ डेवलप की गई, जो उसके ऊपर काम हो रहा है उसके हवाले से, और फिर वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब के वो बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ख़ासतौर पर कॉटन और एग्रीकल्चर रिलेटेड दीगर चीज़ों को लेकर आगे जा रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं कॉटन रिसर्च स्टेशन भावलपुर के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर जनाब डॉक्टर अल्ताफ हुसैन साहब। सर फरमाइएगा, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है, इस दफ़ा कॉटन का सीज़न तकरीबन शुरू होने जा रहा है और कहीं कहीं उसकी बिजाई शुरू हो भी गई है, क्या कहेंगे भावलपुर का ये स्टेशन, इसकी कोई वैरायटी अब तक कौन सी आ चुकी है और किसके ऊपर काम हो रहा है? जी, कॉटन हमारी रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की मईशत है, किसानों का मुस्तकबिल है। हमारा जो स्टेशन है कॉटन रिसर्च स्टेशन भावलपुर, ये पंजाब गवर्नमेंट के तहत भी है, इसमें फेडरल स्टाफ भी बैठा हुआ है। तो इस इदारे ने आज तक 6 वैरायटी दी हैं। जो लेटेस्ट वैरायटी दी है वो है BH184, अच्छी है, कम पानी लेती है, कम खाद देती है और इसका दुरानिया पकने का अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, जब हम वैराइटीज़ की बात करते हैं तो क्या ये वैराइटी फील्ड में अंदर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये फील्ड में मौजूद है तो कितने रकबे पे, कितने फ़ीसद रकबे पे भावलपुर डिवीजन में, साउथ पंजाब में, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद रकबे पे काश्त की जा रही है और इसके रिज़ल्ट क्या हैं अगर हम पर एकड़ यील्ड की बात करें? जी, पर एकड़ यील्ड के हिसाब से ये वैरायटी जो है बाकी वैरायटियों से बेहतर है, अच्छी है। लेकिन जो अब रिसेंटली कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से वैरायटियाँ अप्रूव हुई हैं, 4 वैरायटियाँ, उससे कम है, क्योंकि ये पहले 16 को हुई थी, वो अब हुई हैं, उनसे बेहतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो रकबा है भावलपुर में वो हमारा आता है इशारियों में आता है, वो स्टैटिस्टिकल में ये इसमें नहीं आता। क्यों? यहाँ पर मेरे आने से पहले जो यहाँ पे थे फेडरल गवर्नमेंट के, वो उन्होंने वैरायटी तो अप्रूव करवा दी लेकिन वैरायटी के वारिस नहीं बने, इसको बैकअप नहीं दिया, किसानों को नहीं लगवाई, किसानों को ये नहीं कहा कि ये वैरायटी जो है हमारी बेहतर रहती है, इसे लगाएं। इसीलिए मैं कहूँगा कि एरिया के हिसाब से इसका कोई अदाद शुमार नहीं है, फ्रैक्शन में है, जो कि हम अदर्स में कहते हैं, अदर्स में इसका नाम है। अच्छा सर, जब हम काश्तकार के पास जाते हैं, कॉटन पिछले 2-3-4 साल से पिटी हुई है, मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है, काश्तकार का एक ही कहना है कि बीज ही अच्छा नहीं मिलता। रिसर्च इंस्टीट्यूट हों, कॉटन के इंस्टीट्यूट्स हों, स्टेशंस हों, जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको लगता है किस चीज़ की कमी है कि आप अच्छा सीड डेवलप नहीं कर पा रहे? टेक्नोलॉजी की कमी है, वसाइल की कमी है, मैन पावर की कमी है, किस चीज़ की कमी है? शाह साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत कमाल का सवाल किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये सवाल करेंगे। इसकी कसूर ब्रीडर का नहीं है, ब्रीडर ने अपनी जिस तरह पहले देते थे वैरायटी, आजकल भी वही प्रोसीजर है, उसी तरीके से वैरायटी दे रहे हैं। असल में जो हमारा फार्मर्स है, इसमें कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी वैरायटी जो है एडवांस हो, नई वैरायटी हो, नई किस्म हो। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हब है सादकाबाद, वहाँ पर आप फ़ोन करें, किसी का नाम ले लें भी ये वैरायटी का बीज हमें चाहिए, कहें कितना, आप कहेंगे 2 ट्रक, और कहीं 2 ट्रक नहीं है, 1 ट्रक है, वो आपको वो सीट दे देंगे, वो हालांकि वो वैरायटी का नाम निशान तक नहीं होगा, आपने खुद नाम लिया होगा उसका।
ये वही माफिया है, सीड माफिया, जो हमारी काटन को तबाह करने में बराबर का शरीक है। हम साइंटिस्ट जो हैं दिन रात शबो रोज़ मेहनत करके वैरायटी बनाते हैं, 8 से 10 साल लगते हैं एक वैरायटी बनाने को, 8 से 10 साल। वो जो हैं इससे पहले उस वैरायटी को तबाह कर देते हैं। ये कैसे तबाह करते हैं? आपकी वैरायटी जब रिजल्ट ही नहीं दे रही होती और जो काश्तकार उससे मुतमईन नहीं होता, फिर तो वो अपने तजर्बात तो करता है। नहीं, तजर्बात नहीं करता। हाँ, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, मैं फार्मर्स की बात नहीं कर रहा। फार्मर तो मासूम है, किसान मासूम है। वो चाहता है मुझे अच्छा बीज मिल जाए, वो पैसे लेके फिर रहा है, भाई मुझे बीज दो। अब मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा जितने सर्टिफाइड सीड है इसके अलावा कोई और बीज इस्तेमाल नहीं करना। लोग कहेंगे भी ये बीज इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छी पैदावार देता है। महंगा बीज, बाजारी बीज नहीं खरीदना आपने। सर्टिफाइड सीड लें पंजाब सीड कॉरपोरेशन से या किसी इदारे से, जो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के पैसे हैं, गवर्नमेंट का रेट है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ सीड बेचने वालों की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो सीड जो है कचरा पड़ा होता है ट्रक के ट्रक, आप जो इस वैरायटी का नाम ले लें, आप राकेट ले दें, तूफान कह दें, मरीख कह दें, वो आप नाम ले लें, आप कहेंगे हाँ ये हमारे पास सीड है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि उन्होंने तो तबाह किया, ज़ाहिरी बात है वो प्राइवेट सेक्टर है, उनका जो मतमा नज़र है वो सिर्फ पैसा है जी। लेकिन जो गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेरा सवाल एक दफ़ा फिर वही होगा कि हर्डल्स कहाँ पर हैं अच्छी वैरायटी देने में? क्यों हमारा काश्तकार को 30 मन 40 मन से ऊपर ऑन एन एवरेज औसत की अगर हम बात करें क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों हम डिक्लाइन से नहीं निकल रहे? आपको क्या लगता है? जी निशार साहब, आपको आपने पूरा पंजाब फिरती हैं, साउथ पंजाब फिरते हैं, आपके नज़र में आपकी लिस्ट में ऐसे किसान ज़रूर होंगे जिन्होंने 60 मन तक 45 मन तक 50 मन तक पैदावार ली होगी। उसकी वजह क्या है? दो वजूहत हैं। एक, उन्होंने बीज लिया है वो सर्टिफाइड जगह से लिया है, सर्टिफाइड बीज लिया है, आम लोगों से ग्रोअर से आम लोगों से बीज नहीं लिया, नहीं पकड़ा उन्होंने बीज। हमारा ये होता है, हम तो बीज दे दिया हमने, हम देते हैं PSC को, पंजाब सीड कॉरपोरेशन को, भाई ये हमारा वैरायटी है, हमारी अप्रूव हो गई है, इसे मल्टीप्लाई करें। अब गवर्नमेंट को मैं दरख्वास्त करूँगा आपके मीडिया की विरासत से कि वो हर इंस्टीट्यूट में एक सेक्शन ऐसा बनाएं, एक ऑफिसर ऐसा डिप्यूट करें जो सीड तैयार करे और मुफ्त दे फार्मर्स को। मल्टीप्लाई करने नहीं, मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, हमारे पास बीज है, एकड़ एकड़ का बीज फार्मर को दें, मुफ्त दें बगैर किसी पैसे के, ना इसमें ब्लैक मीनिंग होगी। वो देगा, अच्छा सीड बनाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा, आगे चलेगा। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं मुल्तान की बात करूँगा जहाँ तक हमारे नॉलेज में है, और ख़ुद उन्होंने एडमिट किया, दोनों रिसर्च फेडरल के भी और प्रोवेंशियल के भी, दोनों हमारे जो हेड्स हैं वो हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने कहा जी हमें मजबूरी होती है, हमें बीज बेचना पड़ता है, अपने अखराज चलाने पड़ते हैं। तो जब इदारे ही बीज बेच रहे होंगे तो फिर पंजाब सीड कॉरपोरेशन तो बात की बात ना, वो साहब वो सीड बेचते नहीं है, इदारे बेचते नहीं है। असल में हमारे पास एक जो प्रोड्यूस आई है, हमने 10 एकड़ लगाए हैं किसी वैरायटी को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब उसका बीज हमारे पास है, फुटी उसकी लेंट उसके हमारे पास है, हमने वो ऑक्शन करनी होती है गवर्नमेंट कागज़ों में, हमने ऑक्शन करनी होती है, वो ऑक्शन हम करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट कहे कि लिस्ट बना दे कि जितने भी ग्रोवर्स हैं, आम ग्रोवर्स, छोटे ग्रोवर्स, उनको एक एक एकड़ का बीज दे दें, फ्री ऑफ कास्ट दे दें, मुफ्त बीज दें उनको, फिर देखें कितनी प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात, अगर हकूमत अभी काटन काश्त नहीं हो रही, अभी 15 अप्रैल से काश्त होनी है, तो मैं अगर हकूमत इसका रेट फिक्स कर दे, अनाउंस कर दे, यकीन जाने हमारी काटन संभाली नहीं जाएगी। आखिर मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि इस दफ़ा जो कॉटन अभी काश होने जा रही है, तो आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, काश्तकारों को क्या मशवरा देंगे कि काश्त की टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करें? जी, इसके लिए सबसे अहम चीज़ है वो बीज, बीज खालिस लें, सर्टिफाइड बीज लें पहली बात। उसके बाद सीड को डिलेंट करें, डिलेंट करने के बाद फंगिसाइड लगाएं, उसके बाद सीड काश्त करने के बाद अल्लाह पे तवक्कल करें। अल्लाह पे तवक्कल बहुत ज़रूरी है, कहना खेती सैया सेती। जब तक फार्मर अपनी फुट मैन्यूरिंग नहीं करेगा, अपने खेत पे अपनी निगरानी में खाद नहीं डलवाएगा, अपनी निगरानी में स्प्रे नहीं करवाएगा, हम नहीं कह सकते उस खेत में स्प्रे हुआ है, उस खेत में खाद डली है। बस यही इंसान किसान जो है ख्याल रखे, और सीड सर्टिफाइड हो, खालिस हो, फर्टिलाइज़र जो है वो खालिस हो,
जो कंपनियां हैं हमारी FFC है, NFC है, उनसे सीड लिया जाए, किसी आम थड़े से ना लिया जाए, वो नंबर दो होगा, वक्त ज़ाया होगा, पैसा ज़ाया होगा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो डाउन होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब, जैसे बात कर रहे थे कि आपको चीज़ें मैनेज भी करनी है, लेकिन ज़ाहरी बात है कि बुनियादी जो नुक्ता है कि अच्छा सीड, उसकी अवेलेबिलिटी, और जिनसे भी हम बात करते हैं कम से कम वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे काश्तकार इस दफ़ा तहिया कर लें कि सर्टिफाइड बीज के अलावा कोई बीज जो है वो काश्त नहीं करेंगे, चाहे उसकी जर्मिनेशन जो है वो पिछली दफ़े अभी हमने देखी कि पंजाब सीड और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन ने जो है उसको अप्रूव किया उन वैराइटीज़ को भी जिनकी मिनिमम 50% तक जर्मिनेशन थी, लेकिन जर्मिनेशन हो जाती है उसमें आपको प्लांट पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए, आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो जाती है तो उसमें कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं है, आपका थोड़ा सा सीड रेट जो है वो बढ़ा दें आपकी, फिर पॉपुलेशन पूरी हो जाए तो आपकी पैदावार जो है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो सर्टिफाइड ही नहीं है सीड उससे इज्तनाब करें। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा, अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।